ऑन माई स्क्रीन आप यहाँ पर देखेंगे, अ मेट्रिक स्पेस इज टोटली बाउंडेड इफ एंड ओनली इफ एवरी सिक्वेंसेस। तो एक मैट्रिक्स स्पेस को कब हम टोटली बाउंडेड कहेंगे, ये एक थ्योरम होती है या क्राइटेरिया कि अगर हमें उसको टोटली बाउंडेड दिखाना है तो हर एक जो सीक्वेंस है उसकी एक कोची सब सीक्वेंस होगी। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट होगा। अब सबसे पहली बात जो है हमें ये देखना होगा कि आखिर टोटली बाउंडेड का क्या मीनिंग होता है। तो मान लेते हैं एक स्पेस दे रखा है, इसको मैं 01 स्क्वायर कह सकता हूँ। ये जो स्क्वायर है ये 01 को 01 स्क्वायर को रिप्रेजेंट करता है। अब मैंने हर एक पाई को मैंने ले लिया है, सॉरी एप्सिलॉन को ले लिया 1/2 से लेस। तो टोटली बाउंडेड का मीनिंग है कि जो सेट है, चाहे वो मैं इसको यूनिट स्क्वायर कह रहा हूँ, अगर मैं इसको यूनिट स्क्वायर कह दूँ तो ये जो सेट है ये फाइनाइट ओपन बॉल द्वारा कवर हो जाना चाहिए। तो जैसे कि मान लीजिए ये मेरी एक बॉल है, ये एक बॉल है। बॉल का मीनिंग सर्कुलर ही नहीं होता है, बॉल आपके स्क्वायर में भी हो सकती है, बॉल आपके रोम्बस टाइप किसी में किसी भी शेप की हो सकती है। तो ये जो स्क्वायर था आप यहाँ पर देखेंगे 4 बॉल से कवर हो गया है। अगर मैं एप्सिलॉन को लेस दे ले लूँ 1/3 से, तो आप यहाँ पर देख रहे हैं ये जो यूनिट स्क्वायर था ये 9 बॉल से कवर हो गया है। ऐसे ही इस वाले केस में आप यहाँ पर पाएंगे ये 16 बॉल से कवर हो गया है। तो मीनिंग है कि अगर कोई सेट फाइनाइट नंबर ऑफ बॉल से कवर हो जाए तो हम उसको टोटली बाउंडेड कहते हैं। और ये जो स्टेटमेंट है, अ मैट्रिक स्पेस इज टोटली बाउंडेड इफ एंड ओनली इफ एवरी सीक्वेंस हैज़ ए कोची सब सीक्वेंस, ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट होगा।